Welcome to the third video of Managing the War of Talent lecture. हमने first और second video जो है उसके अंदर talent से related काफी चीजें discuss कर ली हैं. हमने talent के characteristics discuss की कर ली है. हमने क्यों लोग जो है कंपनीज क्यों जो है वो टैलेंट वॉर में इन्वॉल्व होती है वो हमने डिस्कस कर लिया है. कैसे हम जो है जो टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन कर सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है. अभी हम जो है डिटेल में मजीद इसको हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू विन द वॉर ऑफ टैलेंट. किस तरह कंपनीज जो होती हैं वो टैलेंट की वॉर को जीत सकती है. क्या उन्हें ऐसे स्टेप्स लेने होने चाहिए या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे जो है वो जो वार ऑफ टैलेंट है उसे जीत सके. वो अच्छे लोगों को टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकें, उन्हें रिटेन भी कर सकें, उनकी कंपिटेंसी डेवलप भी कर सकें और फिर उनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कंपेटिटिव एज सस्टेनेबल कंपेटिटिव एज ओवर दी ऑर्गेनाइजेशन भी हासिल कर सकें. तभी जो है वो हम एक इस वार ऑफ टैलेंट को जीत सकेंगे, हम वार ऑफ टैलेंट को विन कर सकेंगे. तो यहाँ पर कुछ डिस्कशन की गई है, कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं. अगर इन पॉइंट्स को कोई भी कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर ले तो वो टैलेंट की वार को जीत सकती है, टैलेंट की वार को मैनेज कर सकती है. उसमें सबसे पहला बिल्ड द राइट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बिल्ड करना और सही बिल्ड करना इज ए वेरी इम्पॉर्टेंट. फर्ज करो कि आपके पास डाइवर्सिफाइड वर्क फोर्स है. आपके पास डाइवर्सिफाइड वर्क फोर्स से मुराद ये है कि उसके अंदर जनरेशन जेड भी है, उसके अंदर मिलीनियल्स भी है और उसके अंदर वो लोग जो मिलीनियल से पहले के हैं वो लोग भी उसमें शामिल है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं. इन तीनों की नीड को कल्चर फुलफिल करता हो, इन तीनों के लिए आपका कल्चर आइडियल हो, तभी एक राइट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो सकता है. या इसी तरह डाइवर्सिफिकेशन के अंदर मेल और फीमेल अगर आपके यहाँ काम करती है तो मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है वो आपका कल्चर आइडियल हो. इसी तरह अगर डिफरेंट रीजन के लोग काम करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपका कल्चर उनके लिए सूटेबल हो. अगर सिर्फ हम पाकिस्तान की बात करें तो अगर पंजाब से कोई बिलोंग करता है, अगर कोई सिंध से बिलोंग करता है, कोई बलोचिस्तान से बिलोंग करता है, कोई केपीके से बिलोंग करता है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता है या आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता है, तो हर एक की अलग नेचर होती है, हर एक वर्क फोर्स के अंदर अलग उसकी रिक्वायरमेंट होती है. तो क्या आपका जो कल्चर है उसके अंदर इतने तमाम लोग काम करते हैं, क्या वो सब लोग उस कल्चर में एडजस्ट हो रहे हैं, वो राइट कल्चर है सबके लिए, सब लोग उस कल्चर को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इसी तरह अगर आप जो है डिफरेंट रिलीजन के लोग आपके पास हैं तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कल्चर है जो डिफरेंट रिलीजन के लोगों को अकोमोडेट कर सके. क्या आपके यहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर को ही प्रमोट किया जाता है, क्या आपके यहाँ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर है या नहीं है. तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके कल्चर के अंदर मौजूद होने चाहिए. आपकी कंपनी के नॉर्म्स, आपकी कंपनी की वैल्यू, आपकी कंपनी के कस्टम्स जो है, आपकी कंपनी का एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि इन सब को अकोमोडेट करें, इन सब के जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करें, तभी वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या राइट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो सकता है. ये इसको डेवलप करना, इसको बिल्ड करना, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कि वो टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को प्रमोट करें जिसके अंदर तमाम लोग जो वहाँ काम करने वाले हों वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ओन करें, वहाँ हैप्पी हो, उनकी नीड फुलफिल हो. ये सारी चीज़ें एक अच्छे और राइट कल्चर के अंदर मौजूद होती है. उसके बाद सेकंड चीज़ जो है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ दी हायर बेस्ड ऑन द बिहेवियर्स. हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें ऐसा बंदा मिल जाए जो जिसके पास स्किल्स हो, जिसके पास कैपेबिलिटीज़ हो, जिसके पास नॉलेज हो और उसको हम हायर कर लें. तो हम जो है एक बहुत अच्छा टैलेंटेड पीपल टैलेंटेड बंदा हायर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. आजकल लोग बिहेवियर्स को हायर करते हैं, आजकल लोग एटीट्यूड को हायर करते हैं. ऐसा बिहेवियर, ऐसा एटीट्यूड
विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर कंपनी, तो ही वो एक अच्छी हायरिंग हो सकती है। तो कंपिटेंसी डेफिनेटली उसके अंदर बिहेवियर का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए। जब भी आप किसी को हायर कर रहे हो तो उसके अंदर ये देखें कि वो उसका जो कंपनी का जो डिजायर्ड बिहेवियर है, कंपनी को डिजायर्ड बिहेवियर जो चाहिए, क्या उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अंदर वो डिजायर्ड बिहेवियर मौजूद है या नहीं है। अगर आपने बहुत कंपिटेंट बंदा, बहुत कैपेबल स्किलफुल बंदा डाल दिया, लेकिन वो आपकी कंपनी के कल्चर के साथ सूट नहीं करता, जब वो जो बिहेवियर रिक्वायर्ड है कंपनी को, वो रिक्वायर्ड बिहेवियर जो है वो मौजूद नहीं है उस बंदे के अंदर, तो इट विल वो उस बंदे के साथ एडजस्ट कर सके या वो बंदा वहां कंट्रीब्यूट कर सके। इसलिए जरूरी है कि आपको चाहिए कि आप राइट जब भी हायरिंग कर रहे हो तो आप बिहेवियर्स, रिक्वायर्ड बिहेवियर्स की बेस पर हायरिंग करें। रिक्वायर्ड एटीट्यूड जो कंपनी को चाहिए उसकी बेस पर आप जो है वो हायर करें, तभी एक अच्छा आप टैलेंटेड एम्प्लॉई हायर करेंगे। उसके बाद मूव क्विकली थ्रू द हायरिंग प्रोसेस। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन आप देखें वो ऐड देती है और ऐड देने के सालों साल जो है वो गुम हो जाती है, छः छः महीने साल लग जाते हैं, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है लिफ्ट ही नहीं कराती है, उन कैंडिडेट्स को इवन बताती नहीं है कब वो हायरिंग प्रोसेस शुरू करेंगे और क्या होगा, और इस तरह छः छः महीने एक एक साल जो है वो हायरिंग प्रोसेस में निकाल देती है। तो अगर आपकी कोई कंपनी एक साल हायरिंग प्रोसेस में या छः महीने हायरिंग प्रोसेस में निकालती है तो क्या टैलेंट आपका इंतजार करेगा? उसको अगर कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फौरी तौर पर वो स्विच करेगा, और टैलेंटेड लोगों को अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती, वो आपके इस हायरिंग प्रोसेस का इंतजार नहीं करेगा कि कंप्लीट हो तो मैं जो है इसी कंपनी में जाऊँ। इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपने हायरिंग को क्विक करना होगा, क्विकली मूव करना होगा उस प्रोसेस को, तभी जो है वो लोग, टैलेंटेड लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकेंगे, तभी आप वार ऑफ टैलेंट जीत सकेंगे। हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत अच्छा हो, आप बिहेवियर बेस्ड हायरिंग करते हो, लेकिन आपकी हायरिंग क्विक ना हो, आपकी हायरिंग जो है वो बहुत स्लो हो और टाइम कंज्यूमिंग हो, लोगों को के उसके अंदर प्रोसेस ही इतना हो कि लोग थक जाते हो, तो ऐसी हायरिंग प्रोसेस से जो है लोग, टैलेंटेड लोगों को आपकी ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट नहीं कर सकेगी। इसलिए अगर आपको टैलेंटेड लोग चाहिए तो आपने हायरिंग प्रोसेस को क्विकली मूव करना होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज शिफ्ट योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ बिजनेस टू ब्रांड। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बिजनेस से ब्रांड की तरफ मूव करें, लोग ये समझें कि ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ब्रांड इमेज बेहतर करें। तो अगर आप उसका ब्रांड इमेज बेहतर कर लेंगे, लोग ये समझेंगे कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, और आपने, आपकी कंपनी ने जो है बिजनेस पर तो फोकस किया हुआ है कि बिजनेस आप डेवलप कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको बिजनेस को डेवलप करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कंपनी का ब्रांड इमेज भी बेहतर करना है। जिस कंपनी का ब्रांड इमेज बेहतर होता है उस कंपनी की प्रोडक्ट भी अच्छी सेल होती है और वो टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकता है। तो कंपनी शुड इन्वेस्ट ऑन द ब्रांड इमेज, ऑन क्रिएटिंग द ब्रांड ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को एक ब्रांड में कन्वर्ट करना है, बिजनेस की बजाय एक ब्रांड एक बनाना है आपने कंपनी को, और उसका ब्रांड इमेज, एक अच्छा ब्रांड इमेज जो है वो आप क्रिएट करेंगे, तभी जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे और टैलेंटेड लोग होंगे। फॉर एग्जाम्पल PNG एज ए ब्रांड, लोग चाहते हैं मल्टीनेशनल फॉर्म है वो, इसलिए है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत एक्सपेंस करती है, कल्चर बहुत अच्छा है, आपको जो है वो फ्यूचर लेटर्स बहुत क्लियर होते हैं, इस तरह इसलिए कंपनसेशन बहुत अच्छा होता है, दैट इज द ब्रांड इमेज ऑफ कंपनी। यूनिलीवर को आप देख लें, यूनिलीवर इज ऑल्सो अ ब्रांड। इसी तरह स्टेट बैंक है, कुछ लोग उसमें जाना पसंद करते हैं, तो स्टेट बैंक इज अ ब्रांड इन पाकिस्तान। तो आपके पास इस तरह की बहुत ब्रांड है जिसको आप लोग नाम सुनकर ही वहां चले जाते हैं, ये बहुत अच्छा इदारा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग रेफरल प्रोग्राम। अच्छे और टैलेंटेड लोग जो है वो आमतौर पर एड से या किसी दूसरे सोर्स से नहीं आप हायर पाते या अट्रैक्ट नहीं कर पाते। टैलेंटेड लोगों के लिए जरूरी है कि रेफरल प्रोग्राम स्टार्ट करें, आपके जो टैलेंटेड लोग हैं उनके थ्रू आप लोगों को अट्रैक्ट करें, इवन के अगर आप चाहें तो उनको कंपनसेट भी कर लें। आप अगर कोई अच्छा कैंडिडेट वो हायर करके देता है तो वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर जो है वो रेफरल प्रोग्राम के कंपनसेशन पैकेजेस होते हैं, रिवॉर्ड पैकेजेस होते हैं कि लोग उससे
अगर कोई अच्छी हायरिंग हो जाती है, अगर किसी के रेफरेंस से कोई अच्छा बंदा आप हायर कर लेते हैं, तो उसको पे बाकायदा कंपनी उसे पेमेंट कर रही होती है कि जी आपने एक सही राइट कैंडिडेट को हमारे यहाँ रिकमेंड किया है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आगे कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम को बहुत साउंड और स्ट्रॉन्ग क्रिएट जो है करना है आपने। जितना ज़्यादा जो है ये बेहतर प्रोग्राम होगा, उतना ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी। लेकिन इसके अंदर एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो लोग हैं वो ऐसा ना हो कि किसी एक सेक्ट से हो जाए, किसी एक रिलीजन से हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर कोई लॉबी क्रिएट हो जाए, वहाँ कोई ग्रुप बन जाए, या वहाँ कोई पर्ची सिस्टम चल जाए। तो पर्ची सिस्टम में और एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम में बहुत डिफरेंस है। पर्ची सिस्टम के अंदर तो मतलब यह है कि किसी ने आपको कहा है कि इसको आप रख लें और आपने उसे रख लिया विदाउट चेकिंग द स्किल्स एंड बिहेवियर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी। तो आप इसमें एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम के अंदर आपको उस एम्प्लॉय को पूरे प्रोसेस से लेके गुजरते हैं। अगर वो एम्प्लॉय जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से मैच करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तभी आप उसे हायर करते हैं, अदरवाइज आप उसे हायर नहीं करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है गेट योर टॉप एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्ड। यस डेफिनेटली जो आपके टॉप टैलेंट लोग हैं उनको अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेटेड मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन के अंदर उसे इन्वॉल्व करें। जब कोई स्ट्रेटजी मेकिंग हो रही होती है उसके अंदर इन्वॉल्व करें, गोल इन्वॉल्वमेंट, ऑब्जेक्टिव डिजाइनिंग, ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ों के अंदर उन्हें इन्वॉल्व करें, उन्हें अकाउंटेबल करें, उन्हें आगे लेकर आए, तभी जाकर वो लोग टैलेंटेड लोग आप जो है आपकी कंपनी में रिटेन करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे। इन्वेस्ट इन द ग्रेट एम्प्लॉय प्रोग्राम। डेफिनेटली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट टूल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन द टैलेंट, टू डेवलप द टैलेंट। यहाँ पर जो है जो एम्प्लॉयज है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए for the development of the skills, for the development of the attitude, for the development of the interest, for the development of creativity and innovation in the organizations. उसके लिए उनके ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना बेहतर एम्प्लॉई कॉम्पिटेंसी स्किल्स आप इम्प्रूव कर सकेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप प्रॉपर जो कॉम्पिटेंसी है वो एम्प्लॉयज की वो डेवलप नहीं कर सकेंगे। एंड क्रिएट इररेजिस्टेबल बेनिफिट्स पैकेज। तो बेनिफिट पैकेज जो होना चाहिए वो सब उसके ऊपर एग्री करते हों और तमाम जो टैलेंटेड लोग हैं, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोग हैं, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो बेनिफिट्स पैकेज है वो होना चाहिए। तो इसमें तमाम लोगों को फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए, टॉप टू बॉटम जितने भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सब लोग इस बेनिफिट पैकेज से बेनिफिट ले सकें। अगर चंद लोगों के लिए ये बेनिफिट पैकेज आपने इंट्रोड्यूस किया है, दैट विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टू वर्ड द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। इसलिए यू विल नॉट गेट द सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। इसलिए आपको चाहिए तो आप इररेजिस्टेबल ऐसा पैकेज आप दें जिसको लोग पसंद करें, लोग उससे खुश हों। तो इस तरह की जो है इररेजिस्टेबल जो बेनिफिट्स हैं पैकेज उसको क्रिएट करें ताकि आप जो टैलेंट की वॉर है उसे आप जीत सकें। And the last one is look for the candidates who share your value. It is also very important कि आप ऐसे लोगों को हायर करें जो आपकी कंपनी को पसंद करते हों, जो आपकी कंपनी को ओन करते हों, जो आपकी कंपनी के साथ कमिटमेंट हो उनकी, जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हों, और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आपके पास 100% आपके साथ अलाइन हो। तो और वो लोग आपकी कंपनी जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरों के साथ शेयर करते हो, जो अच्छी वैल्यूज़ हैं उनके साथ शेयर करते बताते हो जो हमारी कंपनी के अंदर ये बहुत अच्छी बातें हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें। तो कंपनी की जो वैल्यू है उसकी शेयरिंग भी जो है बहुत ज़रूरी है। ये एक वर्ड ऑफ माउथ है जो कि दूसरे एम्प्लॉयज़ के ऊपर इम्पैक्ट करता है, या दूसरे जो कैंडिडेट है जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है, जो उसके कस्टमर या कंज्यूमर जो है उसके प्रोडक्ट के उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। इसलिए जो वैल्यूज़ है वो कैंडिडेट हायर करने चाहिए जो कि आपकी वैल्यूज़ को शेयर करें लोगों के साथ, जो कि आपकी वैल्यूज़ को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएँ कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये अच्छी अच्छी बातें हैं, ये इसके नॉर्म्स हैं, ये इसकी वैल्यूज़ हैं, ये हम मैं इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत पसंद करता हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे पसंद करना, उसे उसकी वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप वॉर ऑफ टैलेंट जीतना चाहते हैं तो ये चंद पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। जो कंपनीज हैं उनको इन में से या इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर अमल करके, इनको इम्प्लीमेंट करके, इनके ऊपर इन्वेस्ट करके जो वॉर ऑफ टैलेंट है वो उसे जीत सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है आज के
ये 30 की वीडियो आपने जो है अंडरस्टैंड कर ली होगी, आपको समझ में आ गई होगी और आप इसे सुनेंगे तो आपके कोई क्वेश्चन जो है अगर होंगे तो आई विल आंसर दोज क्वेश्चन इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप ये 3 वीडियोस हैं जो मैनेजिंग द वॉर ऑफ टैलेंट से रिलेटेड है, आपने 3 वीडियोस को देखनी है, इनको सुनना है। अगर कोई सवाल आपके बाकी है तो फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर उन सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।